हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और जावा के इस वीडियो में हम पंक्चुएटर्स की बात करने वाले हैं। सो हमने देखा था कि टोकन हमारा पांच तरीके का होता है। पहला कीवर्ड्स जो हम देख चुके हैं, सेकंड आइडेंटिफायर, ये भी हमने एक वीडियो में देखा है। थर्ड था हमारा लिटरल, वो भी हम भी देख चुके हैं। और नेक्स्ट था हमारा ऑपरेटर्स, ये भी हम देख चुके हैं। और लास्ट है हमारा पंक्चुएटर्स। शो पंक्चुएटर्स क्या होते हैं ये हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने कीवर्ड आइडेंटिफायर लिटरल ऑपरेटर नहीं पढ़ा है तो ये सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ आईसीएसई बोर्ड्स की सीरीज में, तो आप जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएटर्स का डेफिनेशन होगा, पंक्चुएटर्स, और इसको हम सेपरेटर्स भी बोलते हैं, सेपरेटर्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जो हमारे पंक्चुएटर्स होते हैं वो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। मतलब ऐसे समझो, एक घर है तो इस घर का स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? घर की दीवारें, घर में खिड़की हो गया, दरवाजा हो गया, यही सारे तो घर का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना। तो उसी तरह प्रोग्राम में, जैसे एक क्लास आप बनाते हो, क्लास, तो क्लास कहाँ से शुरू होगा, कहाँ एंड होगा, कौन डिफाइन करता है? ब्रेसेस, राइट? तो यानी ब्रेसेस क्या है? पंक्चुएटर है। सो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा पंक्चुएटर्स का क्या होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है ब्रेसेस। इसमें पहले वाले को हम बोलते हैं ओपनिंग ब्रेसेस और ये दूसरे वाले को हम बोलते हैं क्लोजिंग ब्रेसेस, राइट? सो इसका नाम क्या है? ब्रेसेस। देन उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, राइट? उसके बाद ब्रैकेट, इसको कुछ लोग स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बट जावा में इसको नॉर्मली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है? ये भी स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। फिर आगे हमारा सेमी कॉलन, ये भी स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, बताता है कि लाइन यहां पे टर्मिनेट हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। उसके बाद है हमारा कॉलन, कॉलन देखा होगा स्विच केस में यूज होता है, केस के बाद। कॉलन के बाद है हमारा पीरियड। अगर किसी मेथड के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड को एक्सेस करना है या किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है तो उसके लिए पीरियड का यूज करते हैं। जैसे मैथ एक क्लास है, उसके अंदर पावर फंक्शन है, तो कैसे एक्सेस करते हो? क्लास का नाम मैथ डॉट पीरियड और फिर फंक्शन का नाम पावर। उसके बाद आता है कॉमा। कॉमा किस लिए यूज करते हैं हम? वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए, कि ये बताने के लिए कि सारे वैल्यूज अलग हैं। जैसे अगर तीन वेरिएबल है ए बी और सी और तीनों इंटीजर टाइप का बनाना है तो तीनों के बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा, मतलब ये तीनों अलग हैं। और लास्ट में सेमी कॉलन, मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म। सो बस यही है हमारा पंक्चुएटर्स। डेफिनेशन क्या होगा? पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। कौन कौन से होते हैं? ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, सेमी कॉलन, कॉलन, पीरियड, कॉमा। डन। सो वी आर डन विथ कीवर्ड्स। हमारा टोकन पूरा कंप्लीट हो गया, राइट? अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे वेरिएबल्स के ऊपर, ओके? और वेरिएबल के बाद हम देखेंगे डेटा टाइप, और वेरिएबल और डेटा टाइप देखने के बाद हम वापस मूव करेंगे प्रोग्रामिंग पे और कुछ प्रोग्राम करेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो सही लगा, अगर ये लगा वीडियो ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू।